खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, ये चंद पंक्तियां ही बहुत कुछ बयां कर देती हैं उस जज्बे को, जिस जज्बे के आगे तकदीर भी अपने घुटने टेक दे। जज्बा ऐसा कि मंजिले खुद आपके कदम चूमना चाहे। ऐसा ही कुछ जज्बा अपने अंदर भी जगाइए, फिर देखिए कोई मंजिल दूर नहीं, हर मंजिल आपकी है, बशर्ते करनी पड़ेगी मेहनत। और मेहनत से नहीं घबराएं, क्योंकि जो मेहनत करता है उसको देर सवेर ही सही उसको मंजिल जरूर मिलती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ, इसी विचार के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धौरारी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना रही हो, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना रही हो, अपना संयम नहीं खोया, मेहनत करनी नहीं छोड़ी, और उस मेहनत के दम पर आज देखिए समाज के सामने एक मिसाल की तरह खड़े हुए हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अशोक शर्मा जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धौरारी में। आज आप धरती धौरारी के इस मंच पर आए हैं, बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे, बहुत सारे पहलुओं पर आपसे बात करेंगे, होम्योपैथी के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर वापस चले बचपन की उन्हीं गलियों में, जिए उसी बचपन को, क्योंकि कहते हैं ना बेखौफ बचपन, बेबाक बचपन, वो शरारतों वाला बचपन, तो कहाँ बीता आपका बचपन, कहाँ जन्मे हैं, कहाँ पले बड़े हैं? मेरा जन्म प्रज्ञा जी जो है वो आगरा जिले में एक जौंदरी ग्राम हुआ करता था, वहीं हुआ था। और वो आजकल जो है वो फिरोजाबाद में है वो जिला जी। मेरे पिताजी राजस्थान में ही शिक्षा विभाग में कार्यरत थे जी। तो सबसे विशेष बात ये रही कि मेरा जन्म वहाँ जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद मैं राजस्थान में ही रहा। और उसके बाद बहुत ही एक अजीब बात यह है कि पूरे परिवार में मैं पहला बच्चा था। अच्छा। तो बड़ा लाड़ला था जी। और सबसे लाड़ मेरे जो ग्रैंडफादर हुआ करते थे जी। वो मुझे बहुत जब भी जो छुट्टियां होती मेरे पिताजी की तो वो मुझे अपने पास बुलाते थे। अच्छा। और उसकी ठाट आप सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। जी बिल्कुल, बताएं कि वो मध्य प्रदेश में कृषि विभाग में बहुत उच्च अधिकारी थे। अच्छा। तो उस जमाने में जब हम छुट्टी में उनके पास में मेरी मदर और मैं जब फादर के साथ जाता था जी। तो मैं छोटा था तो मेरे लिए खाने के लिए गांठिए रतलाम से आते थे। अरे वाह। और गुलाब जामुन एक डोडल जगह बड़ा प्रसिद्ध गुलाब जामुन होते थे जी। तो वो मैं दोनों चीजें वहां से आती थी और मैं उसका आनंद लिया करता था। अरे वाह। और इतनी बड़ी उनकी कोठी थी कि एक सिनेमा हॉल, अरे ओहो, तो वो घोड़ी होती थी, तो ये सब चीजें ऐसी थी जो बड़ा। और वो मैं घर में सबसे छोटा था, सबसे बच्चा, तो बड़ा बड़ा मुझे शान से उससे रखा जाता था जी। तो सर, यूपी में आप जन्मे हैं, उसके बाद आप राजस्थान में आए, और हमारा राजस्थान तो अनेक संस्कृतियों को समेटे हुए है, कहते हैं रंग बिरंगा राजस्थान, छल छबीला राजस्थान। तो वहाँ से जब यहाँ पर आए तो क्या वहाँ की और यहाँ की संस्कृति में अंतर लगा, और क्या कुछ नया पाया राजस्थान में आके? राजस्थान का तो आनंद ही अलग है जी, क्योंकि मेरे पिताजी जो शिक्षा विभाग में थे जी, तो उन्होंने राजस्थान का जो सबसे पहले यात्रा चित्तौड़गढ़ से शुरू की। अच्छा। उनका पोस्टिंग चित्तौड़गढ़ के पास एक बस्ती जगह थी, वहाँ हुआ, वहाँ से भी चित्तौड़गढ़ काफी समय रहे वो जी। और वहाँ से फिर कपासा निम्बाहेड़ा होते हुए वो गंगापुर सिटी तक पहुँचे जी। गंगापुर सिटी तक तो वो अपने सेकेंडरी स्कूल के उसमें रहे, और फिर उसके बाद में वो जब करौली में आ गए तो वो एसटीसी में आए। अच्छा। एसटीसी आप जानती हैं, उस जमाने में एसटीसी जो है वो बहुत महत्व रखती थी, जिसने एसटीसी की उसको सरकारी अध्यापक की नौकरी मिल जाया करती थी, तो लोग बड़े आतुर रहते थे। तो उसके बाद वो भरतपुर धौलपुर रहे और भरतपुर रहे जी। तो उन्होंने अध्यापक बनाए, आप देखिए, तो सारा राजस्थान मैंने देखा, तो राजस्थान में जो स्नेह और जो आपस में जो था प्यार और प्यार और अलग अलग विभिन्न जो भाषाएं थी और रहन सहन वो एक अलग ही था, उसका आनंद तो अलग ही दिया जी। और सर, राजस्थान की तो बात ही है कि खाना हो चाहे पहनावा हो, दोनों ही बड़े ठाट से रहते हैं, तो क्या खाने में क्या पसंद रहा आपको राजस्थान का? क्योंकि यहाँ का दाल बाटी चूरमा, मिर्ची की टिपोरे बहुत पसंद रहते हैं, तो क्या और पसंद रहा आपका? आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी। हमारे फादर जब थे जी, तो उनका जब एडमिशन होते थे अध्यापकों के, तो जब जैसे पहले महीने में एडमिशन के जो पहला बैच होता था उनकी एक, जैसे अपन होते हैं ना पिकनिक पे जाते हैं, एक हाइक हुआ करती थी। अच्छा। वो हाइक में वो
پہلا ایک جگہ نشچت کیا کرتے تھے وہاں جاتے تھے, تو اس زمانے میں کیلا دیوی میں جایا کرتے تھے, کیلا دیوی ایک اپنی بہت اچھی جگہ ہے, تو وہاں پر ہائک ہم لوگ دھرمشالہ میں ہم لوگ ٹھہرتے تھے, اور وہاں دال بٹی چورما بنتا تھا. اب اندازہ لگا لیجیے اس زمانے میں دال بٹی چورما اور بالکل پیور دیسی گھی, بالکل, اور اس کی خوشبو آیا کرتی تھی, تو ہم لوگ پریوار کے سدسیہ بھی اس پہ جاتے تھے اور بڑا آنند آیا کرتا تھا. جی, اور یہ تو راجستھان کی جو فیمس جو فوڈ ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے, پارمپرک جو کھانا ہوتا ہے دال باٹی چورما, اور یہ راجستھان میں نہیں پورے دیش میں اور ودیشوں میں بھی پرسدھ ہے. جب ودیشی یہاں آتے ہیں, سیلانی آتے ہیں, تو دال باٹی چورما جب ان کو پروسا جاتا ہے تو بڑے چاو سے کھاتے ہیں. اور بچپن کی اگر ہم بات کریں تو بچپن آپ نے بتایا کہ سنیکت پریوار میں گزرا ہے آپ کا, اور سنیکت پریوار کے معنی ہی الگ ہوا کرتے تھے, بہت سارے بھائی بہن ہوتے تھے, دادی نانی کا پیار ہوا کرتا تھا. جب دادی رات کو لوریاں سناتی تھی, کہانیاں سناتی تھی, وہ رامائن کی پنکتیاں سناتی تھی, تو کیسا ماحول ہوا کرتا تھا؟ کچھ بچپن کی یادیں یاد ہیں دادی نانی کے, کس سے یاد ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ میرے پتا جی شکشا وبھاگ میں تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں, جی, تو گرمیوں کی چھٹی میں ہم لوگ کچھ سمے تو ہمارے جو نیٹو پلیس تھا وہاں جایا کرتے تھے, تو ہماری جو دادی تھی, جی, تو ایکچوئل میں کیا ہے وہ میں نے دیکھی نہیں, لیکن میری چھوٹی دادی جو تھی, جی, جو انہوں نے ہمارے فادر کو بھی پالا, جی, اور ہم سے بڑا سنیہ رکھتی تھی, مجھ سے بڑا سنیہ رکھتی تھی, کیونکہ میں سب سے پہلا بچہ تھا پریوار میں. تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں کتنا لاڑ پیار ہوتا تھا, اور وشیش کھانا پینا جو ہم پسند کرتے تھے وہ بنایا جاتا تھا, اور دودھ دہی اور اس پرکار کی چیزیں زیادہ کے پریپریشن ملا کرتی تھی, تو یہ کہ یہ ایک بڑا وشیش ایک آنند آیا کرتا تھا. اور جب بڑے ہوئے تھوڑا دیکھے تو ان کے مجھے یاد ہے کہ ہماری جو دادی تھی چھوٹی والی, وہ وشیش ایک کھانا بناتی تھی, ہاتھ کی روٹیاں, اور ہاں ہاتھ کی روٹیاں, اور وہ جو اپنے مٹی کے توے پر سکائی ہوتی تھی اس کی, اور اس کے بعد چولہے میں سیکھتا تھا, کیا اس کا آنند آیا کرتا تھا. اور کیری جو ہوتا ہے, آپ دیکھیں کیری کچی کیری اور پودینا ہاں چھاچ, اور ایک پیاز کیری اور پودینے کی چٹنی, ارے واہ, تو یہ سب چیزیں اس زمانے میں کھائے, اور وہ تو اب سواد ہی نہیں ملتا, سواد ہی نہیں ملتا. اور اس وقت تو یہ ہوا کرتا تھا ڈاکٹر صاحب کی ماتائیں ممیاں ہوا کرتی تھی گھر میں, چاچی ہوا کرتی تھی, وہ تو اپنے گھر کے کاموں میں بزی رہتی تھی, اور بچوں کو پالنے کی ذمہ داری دادیوں کی ہوا کرتی تھی. اس وقت سنسکار بھی ہوا کرتے تھے کیونکہ سنیکت پریوار ہوا کرتے تھے. آج کل سنیکت پریواروں کی جگہ ایکل پریواروں نے لے لی, اور کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مولیہ ہیں, ہماری پرمپرائیں ہیں, وہ کہیں پیچھے چھوٹتی جا رہی ہیں. تو بینگ سینئر سٹیزن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ہمیں بچوں کو سنسکار ایسے دینے چاہیے, کیا ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے, اور ایسے میں بڑوں کی بھی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نیتک مولیوں کو نہ کھو پائیں. نہیں, میں آپ کے اس بات سے سہمت ہوں, جی, اور میں سنیکت پریوار پرتھا جو ہے اور سنیکت پریوار رہے, میں اس کے بارے میں آپ کو رائے دوں گا کہ وہ بہت ضروری ہے. آج بھی میرے گھر میں میرے فادر تھے جب ان کے ساتھ ہی ہم کھانا کھاتے تھے, جی, اور آج میرے بچے جو ہیں جب تک میں گھر پر وہ نہیں آ جائیں تو ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں, تو سب ساتھ کے کھایا کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ سنیکت پریوار پرتھا سب سے بڑی اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے, دیکھیے جیون ہے, جیون میں بہت سارے سنکٹ بھی آتے ہیں, بہت ساری دوبدھائیں بھی ہوتی ہیں, ہے نا, کشٹ بھی ہوتا ہے, تو ان سب میں آدمی اکیلا کہاں تک کھینچے گا, بالکل بھار ہے. آج ایک دیکھیے کہ اتنی بڑی مہنگائی کا کارن بھی یہی ہوا ہے کہ جو ایک گھر میں پریوار رہتا تھا, اب اس کو دو دو تین تین گھر چاہیے, بالکل گاڑی, دو دو تین تین گاڑیاں چاہیے, تو ایک سنیکت پریوار پرتھا جو ہوا اس کے بہت سارے بینیفٹ تھے, دیش کی آرتھک جو استھتی ہے وہ بھی بگڑی اسی وجہ سے ہے. بالکل بالکل. اور ایسے میں تو جب سنیکت پریوار ہوا کرتے تھے تو دادیاں جو بچوں کو سلاتی بھی تھی, کھلاتی بھی تھی, ان کو نلانے دھلانے کا کام بھی انہیں کا ہوا کرتا تھا, اور سنسکار جیوت تھے. چلیے کوئی بات نہیں, یہ دوسری بات ہے. بچپن کی ہم بات کر رہے تھے, بچپن میں ہم کھیلتے تھے,
और वो खेल भी बड़े अलग हुआ करते थे, कभी कबड्डी खेलते थे, कहीं सितोलिया खेलते थे, कहीं छुपन छुपाई खेलते थे। तो ये जो खेल हुआ करते थे बचपन के, इनसे हमारा शारीरिक विकास होता था, मानसिक विकास होता था, क्योंकि बाहर जाके खेलते थे। और ये जो मिट्टी में हम खेलते थे, वो मिट्टी जो हमारे धरती माँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती थी, कि अगर चोट भी लगती है उस मिट्टी को लगा लो हमारी चोट ठीक हो जाया करती थी, शारीरिक मानसिक विकास हुए करते थे। लेकिन आजकल ये भी खत्म होते जा रहे हैं। उस वक्त की कुछ यादें हैं, किस तरह के खेल हुआ करते थे, क्या आप खेला करते थे? हाँ, मुझे याद है जब मैं स्कूल जूनियर स्कूल में पढ़ता था जी, तो मुझे याद है कि हम लोग हॉकी के बड़े शौकीन हुए हुआ करता था। और हॉकी तो एक्चुअल में उस वक्त उपलब्ध होती नहीं थी, क्योंकि हॉकी में बड़े बच्चों को ही उसमें गेम में शामिल करते थे। जी, तो हम लोग, हमारे जो स्कूल था उसके पास में पेड़, बहुत सारे पेड़ थे, तो उनकी नीचे से ऐसी लकड़ियां जो उनके ऐसे नीचे मुड़ी हुई होती थी, जी, जी, जी। उनको तोड़ लाते थे और उससे हम लोग हॉकी खेलते थे। अच्छा। और बड़ा आनंद आया करता था। हाँ। लेकिन ये कि वो समय है, वो भूला नहीं जा सकता, वो भूला नहीं जा सकता। शायद इसीलिए कहते हैं बेखौफ बचपन, बेबाक बचपन, वो शरारतों वाला बचपन जो हम कभी भूल नहीं सकते। वो दिन ऐसे होते हैं कि ताउम्र हमें याद रहते हैं। और अगर स्कूल की बात करें तो डॉक्टर साहब, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। हमें आगे क्या बनना है उसकी नींव स्कूल से ही पड़ती है। तो स्कूल के सफ़र की अगर हम बात करें तो कैसा रहा स्कूल का सफ़र, किस तरह के स्टूडेंट थे आप? मैं स्कूल का सफ़र थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं जी, क्योंकि मैं शुरू से ही एक ऐसा मुझे लाइन मिली कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का, कि जो मेरे टीचर्स थे, तो मुझे आपको ध्यान होगा कि उस जमाने में सामूहिक पीटी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा स्कूल मतलब 6 से लेकर के और 11 तक के सारे बच्चे जी, तो पीटी में हम सबसे आगे रहे, पीटी परेड जेवलिन, हाँ जी, तो वो होती थी। तो और पूरा स्कूल जो है, और हमको इस लायक बनाया उन्होंने, हमारे जो पीटीआई थे, कि हमको सबसे आगे खड़ा करते थे। तो मुझे देख करके सारा स्कूल जो है वो पीटी करता था। अरे वाह। और वो काफी समय तक रहा। और ये एक ऐसा है कि शारीरिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका। बिल्कुल, तो इसलिए उसको रहना चाहिए। बिल्कुल। और पीटी की और परेड की आपने बात की, मुझे अपने बचपन की भी बातें याद आती हैं कि उस वक्त बाल सभाएं भी हुआ करती थी। जब प्रार्थना हुआ करती थी उस वक्त बाल सभाएं भी हुआ करती थी, उसमें कोई गीत सुनाता है, कोई संगीत सुनाता था, कोई कविताएं सुनाता था। तो आपके क्योंकि हमारा वक्त था, आपका वक्त और भी पीछे का था, तो उस वक्त भी क्या बाल सभाएं हुआ करती थी, क्या इस तरह का माहौल रहा करता था स्कूलों का? हाँ, सामूहिक बाल मतलब प्रार्थना सामूहिक होती थी जी। अभी तो क्या है, क्लास अलग 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 सामूहिक जी, पूरा स्कूल की प्रार्थना एक ही होती थी, उसमें प्रधानाचार्य सारे टीचर्स होते थे, तो पूरा जो स्कूल जो है वो उसमें जनगणमन भी होता था, और भी जो इन्फॉर्मेशन सारी उस वक्त ही दी जाती थी। तो प्रार्थना में सब कुछ जो है, सारे टीचर्स होते थे, और इस प्रकार से प्रार्थना भी एक एक यादगार होती थी, कि भी बहुत अच्छे से आदमी को बहुत उस वक्त एक प्रवचन इस प्रकार के एक बोल विशेष, जो हमारे महान लोग जो उनके लोगों का जो प्रवचन है वो उसके बारे में कुछ वो बोलते थे जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपके बारे में पढ़ा था तो उसमें आपने बताया था कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डांस करने का बड़ा शौक रहा आपको, और डांस भी ऐसा कि नागिन डांस किया था आपने, और उससे प्राइज भी मिला आपको। ऐसा हुआ कि स्कूल के अंदर जो जो गेम्स जो होते थे जी, तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करते थे जी, तो उसमें मैं भाग लेता था। तो भाग नागिन डांस जो है मुझे सौंपा गया कि आप नागिन डांस जो है करिए, हमने प्रैक्टिस की और सीखा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जब प्रैक्टिस हम करते थे तो हमें स्कूल की तरफ से 100 ग्राम घी जी और आधा किलो दूध, अरे वाह, वो रोज मिलता था। जब टूर्नामेंट में जाते थे ना तो उससे पहले प्रिपरेशन होती थी, तो ये मिलता था। आजकल तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, कहीं स्कूल में कहीं मिलता नहीं होगा, लेकिन उस जमाने में ये मिलता था। और वो जब तक मिलता था जब तक कि आपका टूर्नामेंट नहीं हो जाए, जहां हम जाते थे, जहां टूर्नामेंट होता था वहां पे मिलते थे। और आप आशा करें कि जो सांस्कृतिक प्रोग्राम में नागिन वाला जो डांस था उसमें मुझे पुरस्कार मिला था। पुरस्कार भी मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, स्कूल के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की शिक्षा के लिए जाते हैं, कॉलेज में हम जाते हैं,
तो कॉलेज में जाकर जहाँ एक और खूब सारी मस्ती भी होती है, नए दोस्त भी बनते हैं, पढ़ाई का स्तर भी थोड़ा ऊंचा होता है और हम अपने भविष्य के सपने देखते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। ऐसे में अगर कॉलेज के सफर की आपकी बात करें तो कैसा रहा कॉलेज का सफर, क्या आपके पास सब्जेक्ट्स रहे, किस तरह की पढ़ाई वहाँ हुआ करती थी, उस वक्त की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, उस वक्त मैं समझता हूँ कि पढ़ाई के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाता था। आजकल दूसरी एक्टिविटी ज्यादा हैं लेकिन पढ़ाई में विशेष ध्यान दिया जाता था। और मैं समझता हूँ कि कॉलेज लेवल पर मेरे पास साइंस बायोलॉजी थी। अच्छा अच्छा। तो साइंस बायोलॉजी, हमारे जो बायोलॉजी के टीचर थे वो साइंस बायोलॉजी के विषय को बहुत ही उसे पढ़ाते थे। अच्छा। तो कॉलेज का तो ये रहा। और मैं समझता हूँ कि जो एक यादगार थी कॉलेज के बारे में, उस वक्त जो टीचर्स भी हुआ करते थे जी, वो भी बहुत बच्चों पर विशेष ध्यान दिया करते थे। जी। व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान देते थे। अच्छा। सर, कॉलेज में आपने साइंस बायोलॉजी लिया, पढ़ाई में आप ठीक थे, एवरेज स्टूडेंट थे, साथ ही आपने कॉलेज में एनसीसी को भी लिया जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास होते हैं। और एनसीसी हमें अनुशासन सिखाता है, जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें ज़्यादातर हमें एनसीसी से या आर्मी में जाने से मिलती हैं, सेना में जाने से मिलती हैं। ऐसे में आपने एनसीसी को चुना और एनसीसी में भी दो विंग्स को चुना, इसका अनुभव कैसा रहा? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जी, जब पीटी, जब हम पीटी हम में थे जी, पीटी और उसके बाद में एनसीसी आ गई तो जूनियर डिवीजन में भी रहा मैं। उसमें भी बड़ा नेतृत्व किया मैंने और सार्जेंट के पद पर रहा मैं। अरे वाह। और मैंने आर्मी और नेवी दोनों जगह रहा जी। और उसका मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मैं जब कॉलेज में गया तो मुझे सीनियर डिवीजन में भी एनसीसी में मैंने एडमिशन दिया जी। और पढ़ाई के साथ साथ वो भी एक मेरा बहुत ही एक्टिविटीज जो थी वो बड़ी मुझे ये मान के चलिए कि आगे बढ़ने में मुझे सहायक रही जी। और एनसीसी उन जमाने में नई नई हुई थी तो बड़ा क्रेज था। और सबसे बड़ा एनसीसी में जो युवाओं में अनुशासन तो अनुशासन का जो दौर था वो एक सीखने का और कैसे डिसिप्लिन में रहना है, बाकायदा परेड सब कुछ टाइम से सब देखना है सब कुछ, वो सब चीजें होती। और उसका एक बेनिफिट मुझे हुआ कि मैं राजस्थान राज्य की ओर से दो मैंने कैंप भी किए। अच्छा। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक माउंटेनिंग का कोर्स किया मैंने एक महीने का मनाली में। अरे वाह। और इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों से हम लोग रस्सी से चढ़ गए और एक रूट मार्च किया 40 किलोमीटर पैदल। ओहो। अगर आप देखते हो कभी फोटो आता है रोहतांग पास जी, बिल्कुल, तो रोहतांग पास मैं पैदल गया हूँ। तो एक बीच में स्टे था नाइट में जी, और फिर उस स्टे में वो भी एक बड़ी यादगार रही मेरे लिए, जहाँ थे कि वो एक बीएसएफ के टेंटों में हमको ठहराया गया था जी, पूरे हिंदुस्तान के चुने हुए कैडेट्स थे उसमें जी, तो जहाँ ठहराया गया था वो पहाड़ों पर, वहाँ पर बिच्छू बहुत होते हैं। अच्छा। तो हम जब टेंट में गए तो रात को बिच्छू चलने लगे। ओहो, टेंट के ऊपर अंदर उस पर। ओहो। तो रात भर नींद नहीं आई क्यों, रहना वहीं था। हमने पूछा वहां से भाई जो टेंट के इंचार्ज वगैरह थे जहां जिन्होंने हम वहां ठहराया था, बोले यहां पहाड़ में निकलते हैं जी। तो इतना डर हुआ कि देखिए ये कैसे इनसे, बोले कुछ नहीं आप छेड़िए नहीं इनको, ये अपने काटेंगे वाटेंगे नहीं। अगले दिन ही फिर हम रोहतांग पास पहुंचे पैदल ही। रोहतांग आप देखा होगा कि बहुत अच्छी सुंदर जगह है, खूबसूरत जगह है बिल्कुल। तो वहां से फिर हम, और बीच में मनाली के पास एक हॉट स्प्रिंग भी है जिसमें अच्छा, गर्म पानी नेचुरल आता है जी, तो वो भी एक बहुत बड़ी यादगार चीज है। बर्फ और गर्म दोनों देखिए, ये एक प्रकृति का एक अजीब ही जो है एक दृश्य है जो देखने को मिला। और बहुत खूबसूरत एनसीसी का सफर रहा आपका, और इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आपने सेना में कदम रखा, सेना का हिस्सा बने आपने ट्रेनिंग ली वहां पर और बहुत खूबसूरती से आप सेना में गए थे, तो उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे कैसा वहाँ का अनुभव कैसा रहा एनसीसी से सेना का अनुभव। वो एक सहयोगी था कि एनसीसी के कोटे से मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए मुझे चुना गया, भेजा गया जी। और मैं बैंगलोर ओटीएस में कुछ समय ट्रेनिंग के लिए गया, लेकिन उस वक्त
پاکستان وار ہو گئی تھی, میری مدر نے گھر میں اتنا دباؤ ڈالا میرے پتا جی پر, اور گھر میں اتنا ان کی طبیعت بھی اس چکر میں خراب ہو گئی کہ مجھے بہت جلدی وہاں سے کچھ سمے کے بعد ہی ٹریننگ سے لوٹ کے آنا پڑا. اور مجھے بڑا اس کا وہ بھی رہا کہ میں آج اس میں ہوتا تو پتہ نہیں کہاں پہنچتے. لیکن وہ دیش سیوا کے لیے ایک اندر, لیکن ٹریننگ میں جو سیکھا وہ آج تک ہے. سر یہی ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ وہاں کی ٹریننگ کے بارے میں سنا ہے, بہت ہارڈ ٹریننگ, بہت ہارڈ. صبح 5 بجے اٹھ جانا, ہاں, اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ہر چیز ڈسپلن سے رکھی ہوئی ہے. مطلب آپ جب اگر بریک فاسٹ میں ڈائننگ ہال میں بھی جا رہے ہیں نا, تو آپ کے چیئر کے پیچھے نمبر لگا ہوا ہے, نمبر لگا ہوا ہے کہ آپ کون سی چیئر پہ بیٹھے ہیں. جو آپ کو سرو کر رہا ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹیز نوٹ کرتا ہے کہ یہ کیسے بریک فاسٹ کر رہے ہیں, وہ رپورٹ دیتا ہے ڈیلی. کپڑے آپ نے جہاں آپ جس روم میں آپ ہیں آپ کو رکھا گیا ہے اس میں آپ کیسے رکھے ہیں, آپ نے شوز کیسے رکھے ہیں, ٹائم بالکل ایک دم منٹ ٹو منٹ سب چیز اس میں ہوتی ہے. اور وہ جیون میں ایسے سیکھے کہ آج بھی مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کوئی ٹائم سے کام نہ کرے, کوئی ڈسپلن میں نہ رہے, وہ میری بات آج بھی میرے ہے. تو کئی بار ہماری نئی جو پیڑھی ہے وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے, تو ٹھیک ہے ان کو سمجھا دیتے ہیں بھائی ایسا نہیں, وہ تو ڈسپلن سے پورا جو ہے ایک جیون ایک ڈسپلن رہے گا تو آپ کو اس کے فائدے. بالکل, اور سر ضروری بھی ہے انوشاسن کا ہونا جیون میں بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم جیسے کہیں باہر جاتے ہیں, باہر سے گھر آتے ہیں, اگر گھر پھیلا ہوا ملے, کپڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے ملے, یا خوبصورت گھر ہے اس کو گندا کر دیں ہم, تو وہ خود کو بھی اچھا نہیں لگتا اور کوئی دوسرا آتا ہے تو بھی اچھا نہیں لگتا. تو انوشاسن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ڈاکٹری کے پیشے کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹری کے پیشے میں کیسے آنا ہوا سر؟ اب ہوا یہ کہ جب میں وہاں سے آ گیا تو بڑا ہتاش تھا, کیا کیا جائے. وہاں دیش سیوا من میں سوچا بھی کوئی اچھی سیوا ہونی چاہیے, جو کہ سوچا بھی کوئی سماج سیوا کی بات کچھ سوچیں. تو وہاں سے لوٹے تو میرے پاس بایولوجی سبجیکٹ تھا, سارے ایڈمیشنز بند ہو چکے تھے پی ایم ٹی ایم بی بی ایس کے لیے, بیچ کا مدھیہ ایک دم اسٹارٹ کا تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا. ہوا یہ کہ میرے پتا جی کے ایک متر تھے, وہ ایس ٹی سی میں ہی تھے, تو میرے جو اس ہومیوپیتھی میں ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی دو ایک آیوروید تین ان دونوں میں سسٹم ہوا کرتے تھے. تو ایک دروازہ تو جانے کا راستہ تھا نہیں, بھی ٹائم نکل چکا, ایڈمیشن نہیں ہوا, کیسے کریں کیا کریں. تو اچانک کیا ہوا کہ میرے پتا جی کے جو دوست تھے انہوں نے ایک ہومیوپیتھی کا ایک پروسپیکٹس ان کے پاس بھیج دیا کہ بھائی میرے لڑکے کے لیے بھیجا ہے تو وہ تو ایڈمیشن لے رہا نہیں ہے, آپ اپنے بچے کو کھڑا دیجیے. وہ جنہوں نے بھیجا وہ ان کے مطلب جو فادر کے جو دوست تھے وہ مطلب ان کے شش تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا بھائی میرا بچہ تو ہے آپ اپنے بچے کو کرائیے, تو میرے پتا جی نے پوچھا بھائی اس ڈاکٹر بن جاؤ ٹھیک ہے اور کیا ہے. میں نے کہا ہومیوپیتھی کوئی جانتا نہیں ہے, بالکل ہے نا, کوئی کیسے ہوگا کیسے کریں گے. پھر من میں تھوڑا سا ایک سوچا کہ نہیں بھائی نیا سسٹم ہے, سماج سیوا کرنے کا موقع ملے گا. پھر اس کو ہومیوپیتھی میں ایڈمیشن ہم نے لیا, لیکن جب لیا تو ایک دم سوچا کہ ہومیوپیتھی کوئی جانتا ہی نہیں, انسٹیٹیوشن چھوٹے استر پر تھے. لیکن میں سوبھاگیشالی ہوں کہ جنہوں نے پروسپیکٹر بھیجا تھا میرے پرم پوج پریہ گرو جی گردیو ڈاکٹر گیرین پال صاحب, وہ بہت ہی مہان ہمارے ہومیوپیتھی کے بھیشم پتامہ ہیں, انہوں نے ہی تب سے مجھے ایڈمیشن دیا. اور میری اس ہومیوپیتھی کے اس میں ان کے نردیشن میں ہم نے کاریہ کیا, اور آج ایک چھوٹے سے ایک کمرے سے مطلب جو انسٹیٹیوشن انہوں نے پرارمبھ کیا تھا, آپ آشرے کریں گے کہ وہ ہندوستان کا ایک مانا ہوا انسٹیٹیوشن بن چکا ہے, ایک وشودیالیہ کے روپ میں ہومیوپیتھی وشودیالیہ بن چکا ہے. یہ سب انہیں کی دین ہے. اور آج میں جو جس
آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, یہ میرے ڈاکٹر گرین پال صاحب کے ہی آشیرواد کا سارا. جی بہت بڑھیا. کہاں ایک اور آپ دیش سیوا کرنا چاہتے تھے, کہاں ایک اور مانو سیوا, جیسے کہ کہتے ہیں نر سیوا نارائن سیوا مانتے ہیں, آپ نر سیوا کرنے لگے, مانو سیوا کرنے لگے. ایسے میں آپ نے اس وقت ہوموپیتھی کو چنا جس وقت ہوموپیتھی کو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے. ایسے میں کیا کبھی چنوتیاں آئیں, پریوار کا سپورٹ کیسا رہا, کیونکہ گھر میں ماتا پتا ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈھانڈس بھی بندھاتے ہیں, ہمیں آگے بڑھنے کی پریرنا بھی دیتے ہیں, تو کیا کچھ چنوتیاں آئیں, کیونکہ کہتے ہیں جہاں ہم اچھا سوچتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ چنوتیاں بھی آتی ہیں جیون میں, تو کیا کبھی کچھ چنوتیاں رہیں, پریوار کا سپورٹ کیسا رہا؟ دیکھیے چنوتیاں تو سب سے پہلے ایک بہت بڑی چنوتی ہوئی, میرا وواہ جس مہینے میں ہونے والا تھا جی, آپ دیکھیے کہ اسی مہینے میں میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی اچانک. پریوار میں بڑا ایک عجیب ماحول ہو گیا. میرا جو جس کو پتا سگائی ہوتی ہے وہ ہو چکی تھی, مدر نے میری سگائی کی تھی اور میری جو پتنی ہیں وائف ہیں ان کو انہوں نے سلیکٹ بھی کیا, اور لیکن اچانک یہ درگھٹنا ہو گئی تو بڑی مشکل ہو گیا, کیسے کریں. پھر میرے پریوار میں فادر سروس میں تھے, ایک چھوٹا بھائی ایک چھوٹی بہن تھی, بہن کا بھی شادی لائق تھی, تو جلدی ہی ہم نے شادی کرنے کا پھر فیصلہ بہت جلدی لیا, اور میری جو وائف ہیں پتنی آئیں انہوں نے ایسی پرستھتی میں گھر کو سنبھالا, اور پورے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سمے کے بعد میرے بہن کی بھی شادی انہی کے اس میں ہوئی, اور بعد میں بھائی کی بھی ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پریوار کو ایک بہت ہی ہمت سے, میرے فادر کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری ماتا جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک اچیومنٹ ہے. تو اس لیے آج جو پریوار کا جو سارا ہے میں ان کو اس آدرش مانتا ہوں, اور انہی کی وجہ سے آج پورا پریوار ہمارا, اور شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو کیا خوبصورت سا نام ہے آپ کی دھرم پتنی کا, کیا کرتی ہیں وہ؟ میری دھرم پتنی جو ہیں آپ بلیو نہیں کریں, وہ مینا شرما ہیں جی, اور آپ آشتے کریں گے کہ وہ پولیٹیکل, وہ آپ دیکھیے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ایم اے اس زمانے کی ہیں. ارے واہ. لیکن وہ بہت ان کی اچھا تھی کہ میں سروس کروں جی, جاؤں, لیکن پریوارک پرستھتی ایسی نہیں تھی کیونکہ مدر تھی نہیں, فادر سروس کرتے تھے, میرا پروفیشن رہتا تھا, تو مجھے بھی اس بات کا بھی افسوس ہے کہ میں ان کو پڑھا آگے مطلب سروس نہیں کر پایا, لیکن انہوں نے جو اس پریوار کو جس اس سے سنبھالا اس کا مقابلہ نہیں ہے, اور ہم اس کے ہمیشہ ریڈی رہیں گے. شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم چاہے کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائیں, اگر اپنوں کا ساتھ نہیں ہے, پریوار کا ساتھ نہیں ہے, تو وہ مقام بھی کسی کام کا نہیں ہوتا, کیونکہ ایک پریوار ہمیں بہت سنبھل دیتا ہے, پریوار کا سہیوگ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہوموپیتھی کی ہم بات کریں تو ہوموپیتھی پدھتی جو ہے, آج تو ہم بہت واقف ہیں ہوموپیتھی سے, لیکن جس وقت آپ نے ہوموپیتھی کو چنا اس وقت ہم واقف نہیں تھے, تو ہوموپیتھی پدھتی اور دوسری پدھتیوں سے کس طرح سے بھن ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک ہوموپیتھی کے بارے میں لوگوں کو جانکاری کم ہے جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہوموپیتھی چکتسا پدھتی جی بہت ہی سرل چکتسا پدھتی ہے, اور اس میں بیماری کی جگہ ویکتی وشیش کا علاج ہوتا ہے. جی جی جی. میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں جی, مان لیجیے تین مریض ہیں اور تینوں میں بیماری ایک ہی ہے, آپ آشا کریں گے کہ تینوں کی دوائی الگ ہوگی, تینوں کی دوائی الگ ہوگی, ویکتیگت جو اس کے سمٹم ہیں جی جی اس کے حساب سے اس کا دوائی کا سلیکشن ہوگا. اچھا, سمٹمس جیسے کہ میں ایک دو بار گئی ہوں ہومیوپیتھی کے لیے, تو اس میں پہلے آپ کا پورا بایو ڈیٹا پوچھتے ہیں, آپ کی پوری ہسٹری پوچھتے ہیں, آپ کو کس چیز سے الرجی ہے, کیا آپ کی عادتیں ہیں, یہ سب بھی پوچھا جاتا ہے, اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا یہ ویکتی وشیش جی, ویکتی وشیش کا ہر دوائی کا اپنا کانسٹیٹیوشن جی, اس کے مینٹل اسٹیٹس جی, اور جو اس کے کھانے پینے کا سارا, اس کی سینسٹیویٹی, وہ سب پوچھی جاتی ہے. نہیں تو جیسے کچھ لوگ ایک چیلی ہوتے ہیں تھوڑے سے مطلب اس میں ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے, ہاں بالکل, اور بہت ٹھنڈ میں لوگ کپڑے نہیں پہنتے, یہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہے. اچھا, تو ویکتی کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ پیشنٹ
व्यक्ति जो है ना कैसा है, पेशेंट कैसा है, उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है दवाई का। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कई क्रिटिकल केसेस होते हैं जहाँ सर्जरी की जरूरत होती है, वहाँ हमें सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, उसके लिए हम होम्योपैथी को नहीं अपनाते, ऐसे में कितनी जरूरत पड़ती है होम्योपैथी की, या कितना हम इसको कारगर मान सकते हैं कि होम्योपैथिक बड़ी बीमारियां जो होती हैं उनके लिए भी कारगर है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, एक कॉमन आजकल बीमारी आपने, लोग पानी बहुत कम पीते हैं, एक किडनी स्टोन हो जाते हैं। किडनी स्टोन में अगर जानकारी ना हो तो तुरंत ऑपरेशन के लिए दौड़ते हैं, बिल्कुल है ना। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा उसका इलाज है, और हम दवाई से ही बहुत सारे मरीजों की स्टोन्स, किडनी स्टोन्स और यूरिन के रास्ते से निकाल देते हैं। तो आप देखिए कि एक ये ऐसा, उससे किडनी की जो डैमेज है वो बच जाता है। जी जी बिल्कुल, ऑपरेशन के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। तो अगर वो, ये निर्भर करता है कि बहुत बड़ा कोई साइज हो जो उसके निकल नहीं सकता हो, तो बात अलग है। बाकी तो ये है कि कोशिश ये की जाती है कि अगर उसका साइज ऐसा है कि जो आराम से निकलेगा तो उसे निकलता है। और ज्यादा देर तक उसको ये ध्यान रखना चाहिए पेशेंट को कि उसको प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी किडनी फिर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन सर आजकल जैसे होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो लोग एलोपैथी को छोड़कर होम्योपैथी की तरफ झुकाव कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जैसे बीमारियां हैं, लकवा तक ठीक होता है होम्योपैथी से, ब्लड कैंसर के मरीजों का भी इलाज हुआ है होम्योपैथी से, तो आजकल लोग होम्योपैथी की तरफ झुकाव कर रहे हैं, झुकाव हो रहा है होम्योपैथी की तरफ। जी, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें होम्योपैथी कारगर नहीं है, क्या ये मिथ है, कितना सच्चाई है इसमें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा, देखिए लिमिटेशन तो हर सिस्टम की है। जी, तो होम्योपैथी की लिमिटेशन है, अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लायक है तो उसको अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ेगा, इमरजेंसी है तो भर्ती करना ही पड़ेगा। जी, क्रोनिक पुरानी बीमारियां जितनी होंगी, क्रोनिक डिजीज जितनी भी है, उसमें होम्योपैथी बड़ी कारगर है। जी, जैसे मैं एग्जाम्पल, अस्थमा है, दमे की बीमारी है, जो सांस की बीमारी जो होती है, तो उसमें अगर आप होम्योपैथी में आएंगे तो कुछ समय दवाई देंगे तो उसे आगे उसका स्वास्थ्य लाभ होगा और वो ठीक हो जाएगा रोग। ऐसे ही आप देखेंगे जॉइंट्स जो है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये बीमारियां कॉमन हो गई हैं आजकल, तो वो भी एक ऐसा रोग है जो कि होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। और भी बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, महिलाओं की जो है, लोगों की बहुत सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से उनको जाना पड़ता है। अब जैसे एक कॉमन बीमारी है माहवारी जो है, रेगुलर नहीं होती है, है ना। अब वो दवाइयां किस कारण से, क्या क्या दवाइयां उन्होंने खाई हैं, अपने सेल्फ मेडिकेशन किया है, तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत सारे आगे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो वो रोग जो कि छोटा सा रोग है और दवाई होम्योपैथी खाएंगे तो उससे हो जाएगा। ऐसी बच्चों की बीमारियां हैं, बच्चों की बहुत सारी बीमारियां हैं जिस पर कि होम्योपैथी बड़ी कारगर है। आपने सुना होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दांत निकलता है उसका, तो दांत ही निकलते हुए तो उसको दवाई देते हैं, आसानी से निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज बहुत ही मतलब उससे होता है कि जो पेशेंट को ना तो उससे नुकसान होता है और वो आराम से होता है। और ऐसी बीमारियां हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो फिर उसको जो विशेषज्ञ है उसके पास तो भेजना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा सुना है कि जब हम होम्योपैथी का कोर्स लेते हैं तो हमें कुछ उसमें अपने जो बोलते हैं कि पानी नहीं पीना है, कभी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज मसाला नहीं खाना है, जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाने होते हैं, कुछ हमें परहेज रखने होते हैं, कुछ ऐसी सुनने में आया है, क्या ये सच है, क्या ये मिथ है? नहीं नहीं नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी, जो भी परहेज है वो रोग के अनुसार होगा। जी, जैसा रोग है, मान लीजिए वो रोग में अगर कोई ऐसा परहेज है तो उसको बताए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप ये मत खाइए होम्योपैथी में, और इलायची मत खाइए, प्याज नहीं खाइए, ऐसा कुछ नहीं है। दवाई लेने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद कुछ ना खाइए। अब जैसे मान लीजिए कोई पेट का रोग हो गया और वो रोज बहुत सारे फास्ट फूड भी खा रहा है और भी चीजें खाएगा तो ज्यादा बीमारी बढ़ेगी, तो वो तो परहेज बताना ही पड़ेगा, आप हल्का खाना खाइए। बिल्कुल, ऐसे ही किडनी के बारे में है, तो मान लीजिए पानी कम पिएगा तो स्टोन तो बनेगा ही सही, स्टोन बनेगा बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो रोग के अनुसार उसको परहेज बताया जाता है। होम्योपैथी नहीं कहती है कि भाई होम्योपैथी तो केवल ये कहती है कि आप दवाई टाइम से लो और दवाई लेने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद
कुछ नहीं खाइए, बस ये ध्यान रखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ मैं जानना चाहूंगी, जैसे एलोपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथी की दवाइयों के पीछे जो डेट लिखी होती है, अगर वो डेट एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद अगर वो हम दवाई लेते हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्या होम्योपैथी की दवाइयों के साथ भी ऐसा कुछ है कि साइड इफेक्ट भी करती हैं, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको अभी जो ड्रग जो कंट्रोल जो हैं, ड्रग कंट्रोल जो हमारे फार्माकोपिया लेबोरेटरी है, उन्होंने भी ये बात, तो अभी क्या है कि होम्योपैथी दवाइयों पे भी कुछ जो एक्सपायरी का टाइम हम आता है जी, तो उसके बाद उसको नहीं यूज़ते। साइड इफेक्ट्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, होम्योपैथी दवाई की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, होम्योपैथी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये आप मान के चलिए। दवाई को उसके लक्षण के अनुसार देंगे तो जरूर कारगर होगी जी, साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने सेना की नौकरी को छोड़ा, वहाँ देश सेवा करना चाहते थे लेकिन यहाँ मानव सेवा करी, साथ ही समाज सेवा से भी आप जुड़े हुए हैं। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं लेकिन अगर कुछ हद तक भी हम उसको दे पाएं तो बहुत बड़ी बात होती है, तो ऐसे में आपने समाज सेवा भी करी, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह की समाज सेवा से जुड़े हैं, क्या आप काम करते हैं, और कुछ ऐसे क्षण जो आपके अभी भी जहन में ताज़ा हैं, कुछ बहुत आनंद देने वाले क्षण अगर आपको याद हो। देखिए, समाज में तो सबसे बड़ी बात है कि एक एक जो रोगी जो होता है वो रोगी बहुत अंदर से मतलब दुखी होता है, रोग के बारे में उसको बहुत परेशानी होती है जी, तो वो उसको सबसे पहले तो उसकी मानसिकता को ठीक करना है जी, है ना, तो मानसिकता ठीक करने से उसका रोग ठीक होगा। तो मेरा जो रहता है कि जो भी रोगी आता है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि भाई जितना हो सके उसकी मदद करें, और उसके रोग के बारे में उसको जानकारी इतनी है कि वो जितना चिंतित रहता है वो चिंता मुक्त हो, है ना। तीसरा ये है कि मुझे बड़ा इस प्रोफेशन में आने के बाद में एक बड़ा आनंद रहा, और पूरा जो एक चिकित्सा का जो है मैंने अच्छे से अच्छा जो जितनी कोशिश हुई वो मैंने की जी। लेकिन अभी मान के चलिए कि जितना आनंद इसमें आता है वो दूसरों की सेवा करने में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जीवन में। और सर शायद यही आपकी जो सोच है कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, इन्हीं उत्कृष्ट कामों के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया, पुरस्कार भी दिया। हाँ, ये भी एक, एक, एक बहुत अजीब रहा जी। मुझे याद है कि बहुत पहले सचिवालय में एक मुख्य सचिव हुआ करते थे वरी साहब, तो उन्होंने ये कहा कि होम्योपैथी के एक हम आउटडोर खोलना चाहते हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और हमारे प्रिंसिपल साहब जो मेरे गुरु जी हैं वो उन्होंने प्रिंसिपल थे, तो उनको लिखा कि भाई ऐसे तरीके साहब एक चिकित्सक आपके यहाँ से कोई प्रोफेसर या स्टाफ में से भेज दीजिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरे से पूछा कि आप जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो मैं वहाँ पर जाना शुरू किया जी। उसका उद्घाटन मुख्य सचिव ने किया था, और जब मैं गया तो आप आश्चर्य करेंगे कि पता लगा कि वहाँ ऑलरेडी दो आउटडोर सरकारी जो विभाग के एक एलोपैथी का एक आयुर्वेद की जिसमें थी चलती थी जी। तो लोगों ने कहा ये तो बहुत जल्दी आप आए हैं तो इसको कौन होम्योपैथी कौन लेगा, दोनों चलते हैं यहाँ पर तो लोग आपके पास इलाज कराएंगे आएंगे। मैंने कहा भाई अगर सरकार ने बुलाया है तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल, और हमने अपना शुरू कर दिया। तो शुरू करते करते आप बिलीव नहीं करेंगे, दो तीन महीने में हमारी रोज की संख्या 50 मरीज रोज, उसके बाद थोड़े दिन बाद महीने बाद जो है 100 मरीज हो गए, और साल डेढ़ साल दो साल के बाद हमारी संख्या जो 200 पेशेंट पर डे मैं देखता था, 200 पेशेंट पर डे, और ये सिलसिला काफी समय तक रहा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस काम की वजह से जो हमारी मेहनत थी वो इतनी वहाँ पर प्रचलित हुई जी, कि भैरव सिंह की शेखावत दोनों में चीफ मिनिस्टर हुआ करती जी, जी। तो एक सचिवालय में जो है मुझे मतलब उससे पहले एक सचिवालय स्तर पर भी फंक्शन होते हैं जी जी बिल्कुल, तो हरदेव जोशी जी पहले चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। तो पहले सबसे पहले तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया जी, और फिर भैरव सिंह जी ने, तो भैरव सिंह जी ने फिर मुझे, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भी मुझे स्टेट अवार्ड से जी। डॉक्टर साहब, एक
हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बतौर डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। दौड़ भाग भरी जिंदगी है, ऐसे में किस तरह की हम लाइफ स्टाइल जिए कि हम हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके, संक्षिप्त में। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जी फिट इंडिया की एक बिल्कुल बिल्कुल है ना, अभी प्रोग्राम आपने देखा होगा जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये पहले भी होता था, फिट इंडिया मोदी जी का बहुत एक लंबे समय तक का वो है, और मैं सभी हमारे व्यक्तियों से अनुरोध करता हूँ कि वो नियमित व्यायाम करें, नियमित घूमने जाएं, खान पान पर अपना रखें, तो तभी आप फिट रहेंगे बिल्कुल। और आगे अपना जीवन अगर मतलब निरोग रहना है तो आप अपने अच्छे से खाए, मतलब जो घूमिए फिरिए और पैदल चलिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात बताइए अपने कि खान पान पे नियंत्रण रखें, संतुलन रखें और व्यायाम जरूर करें। आप धरती धौरानी के इस मंच पर आए हैं, बहुत सारी जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी हम इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन धरती धौरानी के फिर किसी खूबसूरत अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को, देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान।